आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम मोहनीय कर्म की चर्चा करेंगे। इस संसार में हम अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे हैं। क्या कभी आपने चिंतन किया इसके पीछे क्या खोज है? भगवान महाश्यामी कहते हैं, मोहनीय कर्म के कारण ही व्यक्ति चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों में परिभ्रमण कराने वाला कोई कर्म है, वह है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को समझ लिया, इसका मतलब है आठों कर्मों को हमने समझ लिया। यदि कोई भी कर्म है वो पकड़ करके रखता है, वह कर्म है मोह कर्म। जैसे घर का मालिक अपने घर के सदस्यों को अपने अंडर में रखता है, वैसे ही मोहनीय कर्म सभी कर्मों को अपने अंडर में रखता है। मोहनीय कर्म को राजा कहा जाता है, क्योंकि एक राजा को जीत लेते हैं तो सारी सेना को जीत लिया जाता है। वैसे ही व्यक्ति एक मोह कर्म को जीत लेता है, इसका मतलब है इसने सारे कर्मों को जीत लिया। जब मोह कर्म नष्ट होता है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वीरराग दशा की प्राप्ति होती है। मोह कर्म का मतलब क्या होता है? मोह कर्म का मतलब होता है राग द्वेष। राग द्वेष के कारण हमारी चेतना क्या होती है? विकृत होती है, मूर्छित होती है। जितना जितना राग द्वेष अधिक, उतनी उतनी हमारी आत्मा विकृत होती जाती है, मूर्छित होती जाती है। संसार में जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी होता है उसका मेन कारण है मोह कर्म। मोह कर्म से ही व्यक्ति कर्म का बंधन करता रहता है, क्योंकि आठ कर्मों में मोहनीय कर्म से पाप कर्म का बंध होता है और नाम कर्म से पुण्य कर्म का बंध होता है। मोह कर्म से पाप कर्म का बंध निरंतर होता रहता है, क्योंकि यह मोहनीय कर्म का बंध कब तक होता है? नौवें गुण स्थान तक होता है और इसका उदय ग्यारहवें गुण स्थान तक रहता है। यानी मोहनीय कर्म में ग्यारहवें गुण स्थान तक रहता है, बारहवें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का क्षय होता है। तो मोहनीय कर्म कितने प्रकार का होता है, इससे पहले हम जाने कि मोहनीय कर्म तो किसकी उपमा दी गई है। मोहनीय कर्म को मद्यपान के समान कहा गया है। जैसे मदिरा पान करने वाला व्यक्ति होता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ही मोहनीय कर्म के उद्देश्य व्यक्ति की तत्व श्रद्धा विपरीत हो जाती है। यानी तत्वों के प्रति उसकी जो श्रद्धा होनी चाहिए वह नहीं रहती है। और चारित्र मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तब व्यक्ति को विषय में आसक्ति होती है, विषय भोग जो है उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। जितना जितना मोह अधिक होता है उतना व्यक्ति का जो आनंद होता है वो समाप्त होता जाता है। जिस व्यक्ति में मोह कम होता है उस व्यक्ति में आनंद अधिक होता है, क्योंकि जितना जितना मेरापन उतना उतना दुख होता है। व्यक्ति सोचता है ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा मकान, मेरा धन, मेरा परिवार। जितना जितना हम मोह करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, उतने उतने कर्म का बंध भी अधिक होता है, उतना उतना व्यक्ति भी दुखी अधिक होता है। तो मोह कर्म जब कम होता है, जब मेरेपन का भाव कम होता है, तब व्यक्ति आनंद का जीवन जीता है। क्योंकि आत्मा की जो आठ क्वालिटी है, एट क्वालिटी है, उनमें एक क्वालिटी ही अनंत आनंद। ये अनंत आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब मोहनीय कर्म का क्षय होता है तब अनंत आनंद की प्राप्ति होती है।
मोहनीय कर्म के दो प्रकार, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय किसे कहते हैं? दर्शन मोहनीय से दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा, सम्यक्त्व, तत्व के प्रति रुचि। लेकिन जब तक दर्शन मोहनीय कर्म का उदय रहता है तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो सम्यक्त्व की जो प्राप्ति में बाधक है वह है दर्शन मोहनीय कर्म। और चारित्र मोहनीय कर्म का उदय रहता है तब तक व्यक्ति अच्छी तरह से चारित्र का पालन नहीं कर सकता है। यानी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय रहेगा तब तक वो अच्छा आचरण नहीं कर सकता है। यानी चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है जब तक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय रहता है। अब समझे हम दर्शन मोहनीय के कितने प्रकार हैं। दर्शन मोहनीय के तीन प्रकार हैं, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। सम्यक्त मोहनीय क्या है? जो औपस्मिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति में जो बाधक बनता है, जो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होने देता है, औपस्मिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होने देता है वह है सम्यक्त मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय क्या है? मिथ्यात्व का मतलब है विपरीत श्रद्धा। मिथ्यात्व का मतलब होता है जीव को अजीव, जो जीव है उसको कहेगा अजीव है, अजीव को जीव कहेगा, धर्म को अधर्म कहेगा, अधर्म को धर्म, साधु को असाधु, असाधु को साधु, मार्ग को कुमार्ग, कुमार्ग को मार्ग कहेगा। जो मोक्ष हो गया उसको बोलते मोक्ष नहीं हुआ है, जो मोक्ष नहीं गए उनका बोलते मोक्ष हो गया है। ऐसी जो विपरीत श्रद्धा होती है वो होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के कारण व्यक्ति की श्रद्धा विपरीत हो जाती है। जब तक मिथ्यात्व का उदय रहता है तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। मिथ्यात्व भी संसार परिभ्रमण का बहुत बड़ा कारण है। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। मिथ्यात्व अवस्था में जब तक मिथ्यात्व की अवस्था रहती है तब तक कर्म का बंधन भी अधिक होता रहता है। कहा जाता है एक व्यक्ति के पास सम्यक्त्व है, एक व्यक्ति के पास मिथ्यात्व है, दोनों ही समान तपस्या करते हैं लेकिन लाभ किसको ज्यादा होता है? जिसके पास सम्यक्त्व है। जिसके पास मिथ्यात्व है उस व्यक्ति को उतना लाभ नहीं होता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया जिस व्यक्ति के पास सम्यक्त्व है वह व्यक्ति एक श्वासोश्वास की प्रक्रिया में यानी श्वास लेना छोड़ना उतनी देर में वो करोड़ों वर्षों के कर्म को काट सकता है। और मिथ्यात्व व्यक्ति, जिसके पास मिथ्यात्व है वह व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक तपस्या करके भी उतनी कर्मों की निर्जा नहीं कर सकता है। तो सम्यक्त्व का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है? जब दर्शन मोहनीय के जो तीन प्रकृति है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, इन तीन का उपशम, क्षय या क्षोपशम होने से, और चारित्र मोहनीय की जो चार प्रकृति है, अनंतांग बंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सात प्रकृति का क्षय, उपशम या क्षोपशम होने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मिश्र मोहनीय, मिश्र का मतलब है न तो धर्म पर श्रद्धा होती है न अश्रद्धा होती है, डामाडोल की स्थिति होती है, वह होता है मिश्र मोहनीय कर्म। ये तीनों ही प्रकृति है वह सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करने देती है। चारित्र मोहनीय के प्रकार, तो चारित्र मोहनीय के कितने प्रकार हैं? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से व्यक्ति को चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, यानी तब तक वो श्रावक भी नहीं बन सकता है और उसको साधुपन भी नहीं आ सकता है। क्योंकि चारित्र के पांच प्रकार है, सामायिक चारित्र, छेदक स्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये पांच प्रकार के चारित्र है। तो सामायिक चारित्र में उसमें दो भेद होता है, एक देश व्रति होता है, एक सर्वव्रति होता है। तो देश व्रति के अंतर्गत श्रावक आते हैं और सर्वव्रति के अंतर्गत साधु आते हैं।
चारित्र होने का कर्म का उदय रहेगा तब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। कसाय चारित्र, चारित्र मोहने के दो प्रकार है, कसाय चारित्र और लोकसाय चारित्र। तो जो कसाय चारित्र है, जो कसाय चारित्र मोहनी है, उसके 16 प्रकार है। अनंतानु मंदे क्रोध मान माया लोक, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोक, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोक, संज्वलन क्रोध मान माया लोक, ऐसे करके 16 प्रकार हो गए, जिसकी चर्चा हमने प्रथम वर्ग में की थी। तो अभी हम इसकी डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको बताइए है कि आपने सुना था पहले से ही कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया का उदय रहेगा तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय रहेगा तब तक हम व्रत नहीं कर सकते हैं, और प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय रहेगा तब तक हम चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकते, यानी चारित्र स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और संज्वलन कषाय का जब तक उदय रहेगा तब तक वीतराग दशा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो 16 कषाय हैं, तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी जब तक कषाय समाप्त नहीं होगा तब तक वीतराग दशा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये कषाय है, उसको हम क्षय कैसे करें, उसको हम कम कैसे करें। अभी हम क्षय नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। ऐसी हम साधना करें तो इस जन्म में भी हम कषाय को मंद कर सकते हैं, कषाय को कम कर सकते हैं। तो कषाय को कम करने के लिए हम क्या करें, क्रोध यदि हमें ज्यादा आता है, क्रोध को कम करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग करें, यानी दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें और फोरहेड पे व्हाइट कलर का ध्यान करें, जिससे हमारा क्रोध है वो शांत हो सकता है। जिसको लगे अहंकार ज्यादा है वो मृदुता की अनुपेक्षा करे, जिसको लगता है कि वो बार बार छल कपट करता है तो छल कपट करने से तिरंज गति में व्यक्ति जा सकता है। तो तिरंज गति का कारण है माया, तो माया का भाव अगर है वह रिजुता की अनुपेक्षा कर सकता है, सरलता की अनुपेक्षा कर सकता है। जिसमें लोभ की मात्रा अधिक है वह व्यक्ति संतोष की अनुपेक्षा कर सकता है, क्योंकि चारों कषाय में सबसे बड़ा अगर कषाय है, चारों कषाय में कहा जाता है लोभ है पाप का बाप है। व्यक्ति में लोभ की मात्रा भी ज्यादा होती है, कई व्यक्ति ऐसे होते खुद भी नहीं खाते दूसरों को भी नहीं खाने देते हैं। तो लोभी व्यक्ति वह स्वयं भी नहीं खा सकता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता है। एक सेठ था, बहुत बीमार हो जाता है, उनके पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर इंजेक्शन और दवा देता है। जब उसका बिल बनाया तब डॉक्टर साहब से पूछा कितना बिल है, डॉक्टर साहब ने कहा पूरा 600 रुपए। उस समय बहुत पहले की बात है, आजकल तो 600 रुपए में कुछ भी नहीं होता है, तो 600 रुपीज है। उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा जब मेरा दाह संस्कार किया जाएगा उसमें कितना खर्चा होगा, पुत्र ने कहा उसमें 450 रुपए का खर्चा होगा। पिता ने कहा बेटे मुझे इलाज नहीं कराना है, मुझे मरने दो, कम से कम 150 रुपया तो बच जाएगा। व्यक्ति मरने के लिए मंजूर हो जाता है लेकिन पैसा नहीं खर्च कर पाता है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर लोभ की मात्रा बहुत अधिक है, लोभी व्यक्ति की दुर्गति होती है। इसीलिए कहा जाता है हमें दान देना चाहिए, अगर आपके पास है तो दान दो, दान नहीं दे सकते हैं तो आप घर में खुद उसका भोग करो, अगर आप भोग भी नहीं करते हैं तो उसकी गति क्या होगी, धन की गति तीसरी होगी, नाश हो जाता है। तो हम क्या करें, अगर हमारे पास है तो हम सुपात्र को दान दें। सुपात्र को दान देने से भी कितने कितने कर्मों की निर्जरा होती है। तीर्थंकर गोत्र कर्म बन के 20 कारण है, उसमें एक कारण है दान देना। तो कई तीर्थंकर ऐसे थे पूर्व जन्म में उन्होंने दान दिया जिसके कारण उनको तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो गया, किसी ने तपस्या की किसी ने दान दिया। दान देने से भी कितने कितने कर्मों की निर्जरा होती है। तो नौ कषाय, दूसरा है नौ कषाय चारित्र, नौ कषाय चारित्र मोहनीय भी 9 प्रकार के हैं।
लोक कसाय इसीलिए कहा गया, यद्यपि ये कसाय नहीं स्पष्ट रूप में, लेकिन ये क्या करता है, कसाय को उत्तेजित करता है, कसाय का सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको नौ कसाय कहा गया है। ये भी नौ प्रकार का है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। अब जो मोहनीय कर्म है उसकी स्थिति कितनी है, मोहनीय कर्म के हमने दो भेद किए थे, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय है उसकी स्थिति है जघन्य अंतर्मूरत, यानी मिनिमम अंतर्मूरत, और मैक्सिमम 40 करोड़ करोड़ साल रूपम तक रहेगा इसका उदय, यानी तब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। दर्शन मोहनीय जघन्य अंतर्मूरत, यानी मिनिमम अंतर्मूरत तक इसकी स्थिति है, मैक्सिमम 70 करोड़ करोड़ साल रूपम, करोड़ करोड़ साल रूपम तक इसकी स्थिति है। कहा जाता है ये मनुष्य भव की प्राप्ति कब होती है, 69 करोड़ करोड़ शाब्रूपम जितने कर्म क्षय होते हैं, 1 करोड़ करोड़ शाब्रूपम तक के कर्म बाकी रहते हैं, तब जा करके हमें मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। और ये जो दर्शन मोहनीय है इसका बंद कैसे होता है, दर्शन मोहनीय कर्म का बंद होता है जो अरिहंत भगवान है उनके जो वचन है उनके विपरीत हम अगर कुछ कहते हैं उससे क्या होता है, दर्शन मोहनीय कर्म का बंद होता है, यानी उनके वचनों में हम दोष निकालते हैं कि भगवान ने जो कहा है वह सही नहीं है। अरिहंतों के विपरीत कथन करने से, सिद्धों के विपरीत कथन करने से, आचार्य ने जो कहा है उसके विपरीत अगर हम कुछ बोलते हैं, विरुद्ध बोलते हैं वचन, और उपाध्याय है चतुर्विध जो धर्म संघ है साधु साधी श्रावक श्राविका उनके विपरीत बोलने से भी दर्शन मोहनीय कर्म का बंद होता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म का बंद ये जो होता है वो 70 करोड़ करोड़ शाग्रोपम तक रहता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म का बंद कैसे होता है, एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर लगा तुम आपको बताना चाहती हूँ। एक आचार्य थे, उनके 500 शिष्य थे, 500 शिष्य थे। उन्होंने सोचा 500 शिष्य हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई कैसे हो, उनके लिए उन्होंने क्या किया, 5 प्रमुख जो शिष्य थे उनके जो होनहार थे, जो बहुत ही ग्रास्पिंग पावर जिसका अच्छा था, जिसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा था, उनको सब शिक्षक बना दिया, यानी टीचर बना दिया, और उनको एक एक को 100 शिष्य दे दिए, 100 शिष्य दे दिए। और उनमें से जो एक टीचर थे जिनका नाम था मणिभद्र, बहुत ही मेधावी थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा था, और कोई भी डिसीजन होता आचार्य भी उनको पूछ करके ही करते थे, कोई भी काम करना होता आचार्य उनको पूछ के ही करते थे। और सभी को यह लग रहा था होनहार भविष्य में ये फ्यूचर में यही आचार्य बनेंगे, सबको ऐसा लग रहा था, क्योंकि इतने होशियार थे, इनकी मेमोरी भी इतनी शार्प थी और बुद्धि भी बहुत अच्छी थी, तो सबको ऐसे लगता था। कुछ समय के बाद संघ में जब आचार्य की नियुक्ति की जरूरत होती है तो आचार्य ने सोचा अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ तो मेरे बाद भी कोई आचार्य बने, उसके लिए आचार्य बनने से पूर्व युवाचार्य बनाया जाता है, क्योंकि आचार्य की उपस्थिति में बहुत कम आचार्य बनाए जाते हैं। तो आचार्य ने युवाचार्य बनाने को सोचा तो जो स्थविर थे दीक्षा में बड़े थे उनको आचार्य बनाया, युवाचार्य बनाया गया, लेकिन मणिभद्र को आचार्य नहीं बनाया गया। तो मणिभद्र के मन में बहुत ही दुख होता है, आचार्य मुझे सब पूछ पूछ के करते थे, सारे निर्णय भी मुझे पूछ के किए जाते थे, मुझे आचार्य पद नहीं मिला। उनको बड़ा कष्ट होता है, उनका मन भी बड़ा खराब हो जाता है। पास में आश्रम था, वहां कुलपति रहते थे, कुलपति ने देखा ये होनहार है, मेधावी है, अच्छा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने आश्रम में लाना चाहिए। उनसे बात की और कहा मैं आपको अपने आश्रम का कुलपति बनाना चाहता हूँ। उनको पद चाहिए था तो कुलपति बन जाता है,
अब कुलपति बनने के बाद तंत्र मंत्र जो विद्याएं होती वो सीख लेते हैं, और सीखने के बाद वो कभी मंत्र के प्रभाव से आकाश से मिश्री मंगाता, प्रभावना कर देता, सभी को बांट देता, कभी केसर की बरसात करता, कभी कुमकुम बरसाता, तो काफी लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और इवन जैन धर्म के काफी लोग उनके पास आने लगे, और जैन धर्म के लोगों से भी कहा ये जैन धर्म कुछ भी नहीं है, ये सब ढोंग है। तो जैन धर्म के विपरीत वो परूपणा करने लगे, यानी जैन धर्म के विपरीत वो विरुद्ध वचन करने लगे, जिससे क्या होता है उनके तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का बंद हो जाता है, और वो मृत्यु के पश्चात व्यंतर जाति के देव बन जाते हैं। वहां से वो तिरंज गति में जाते हैं। कहा जाता है ऐसे करते करते वो अनेक जन्म करते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी तिरंज गति में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, अनेक जन्मों करते करते वह एक बार राजा के घर में उत्पन्न होते हैं। राजा जैन धर्म को मानने वाले थे, अपना पुत्र जिनका नाम रखा गया वीरध्वज बड़ा होता है। एक बार गांव में चातुर्मास होता है, राजा स्वयं जाता है प्रवचन सुनने के लिए और अपने पुत्र को भी लेकर के जाता है। राजा ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव बता सकते हैं आप, आपकी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका सम्यक्त्व चला गया हो, बाद में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई हो, ऐसे कोई व्यक्ति है? मुनिराज ने कहा हम लोगों में से भी बहुत सारे हैं और इस सभा के भी बहुत हैं, लेकिन आपका पुत्र ही है। आपका पुत्र आज से 35 करोड़ सागरों पहले साधु था, उसके बाद जब पद नहीं मिला जिसके कारण वह साधुत्व से भ्रष्ट हो जाता है, और पद की अभिलाषा के कारण, पद की इच्छा के कारण वह संघ को छोड़ करके आश्रम में कुलपति बन जाता है, तंत्र मंत्र विद्या तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, जैन धर्म के विपरीत ऐसे ऐसे वचन बोलता है, जैन धर्म के विरुद्ध बातें करता है, जैन धर्म की निंदा करता है, जिसके कारण उसने दर्शन मोहन्य कर्म का तीव्र बंद किया, सम्यक्त्व जो प्राप्त था वो उसका समाप्त हो जाता है, और 35 करोड़ सागरों के बाद आज वह पहली बार प्रवचन सुन रहा है। तो व्यक्ति कर्म का बंद कर लेता है उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड कितना लंबा होता है, उसको भोगने के लिए कई जन्म करने पड़ते हैं। तो हम विचार करें कि हम कैसे कर्म के बंध से बचे, इससे पहले जाने कि मोहनीय कर्म का बंध कैसे होता है। मोहनीय कर्म बंध के कारण बताए गए तीव्र क्रोध मान माया लोभ, यानी जब तीव्र क्रोध होता है, यानी अनंतानुमंदी क्रोध मान माया लोभ जब होते हैं तब मोहनीय कर्म का बंध होता है। जब तीव्र दर्शन मोह होता है, तीव्र चारित्र मोह होता है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है, तब मोहनीय कर्म का बंध होता है। इसके साथ साथ हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद, इनसे भी मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो मोहनीय कर्म का जो बंध हुआ है उसको हम तोड़े कैसे, मोहनीय कर्म का जो बंध हो गया है उसको तोड़ने के लिए कहा गया चार बातें हैं। मोहनीय कर्म को तोड़ने के लिए कई बातें हो सकती है, लेकिन चार मेन बातें आपको मैं बता रही हूँ। पहला है मोहनीय कर्म को तोड़ने का उपाय सुपात्र दान, सुपात्र को दान दे, क्योंकि व्यक्ति दान भी नहीं दे सकता, क्योंकि धन के प्रति व्यक्ति का अटैचमेंट होता है जिससे वो छोड़ नहीं पाता है। दान देने से हमारा क्या होता है, मोहनीय कर्म कम होता है, तो सुपात्र को दान दे। तीसरा है समत्व का विकास करें, यानी समता का विकास करें, तो कसाय अपने आप समाप्त हो जाएगी। तीसरा है अनासक्ति का विकास करें, कुछ भी हो सब चलेगा, अमुक वस्तु चाहिए इस यही चाहिए फिर ऐसा भाव नहीं रहेगा, अनासक्ति। भरत चक्रवर्ती अनासक्त थे, जिसके कारण घर बैठे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अनासक्ति का विकास करने से भी मोहनीय कर्म का बंध जो होता है वो कम हो सकता है।
उसके साथ साथ जो 12 भावनाएं हैं, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अनित्व आदि जो 12 भावना है, उसका हम अनुचिंतन करते रहे, बार बार चिंतन मनन करते रहे, उससे भी मोहनीय कर्म बंध जो है वो कम हो सकता है। तो मोहनीय कर्म को तोड़ने के 4 उपाय हैं, महानाशक पात्र दान, दूसरा है समत्व का विकास, तीसरा है अनासक्ति का विकास, और चौथा है 12 भावनाओं का विकास, यानी अनुचिंतन करना उनका, और उसके साथ साथ स्वाध्याय करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, श्रवण करना, व्याख्यान सुनना, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में 4-5 कारण बताए हैं। इनका हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा ये जो मोहनीय कर्म है उसको हम दूर कर सकते हैं। मोहनीय कर्म का क्षय होने से ही मोक्ष हो सकता है, यानी मोहनीय कर्म का क्षय होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो शेष घाती कर्म 3 थे उनका भी नाश हो जाएगा। जब तक हमारा आयुष्य है तब तक रहेगा केवली, जैसे ही आयुष्य पूरा हो जाएगा वो 4 जो अघाती कर्म है वो भी समाप्त हो जाएंगे, यानी 8वां कर्म का नाश हो जाएगा। मोहनीय कर्म का नाश होने के बाद ही शेष 7 कर्मों का नाश होता है। आज हमने संक्षेप में मोहनीय कर्म की चर्चा की है, तो मोहनीय कर्म से हम कैसे बचे, क्योंकि मोहनीय कर्म ही हमें संसार में परिभ्रमण कराता है। तो मोह हम कम करें, अपने शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बंगले के प्रति, अपने पास जो बैंक बैलेंस है उसके प्रति, हम मोह जितना जितना हम कम करते जाएंगे उतना उतना हम मोक्ष के नजीक होते जाएंगे। यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो मोहनीय कर्म का जो बंध निरंतर हो रहा है, सभी प्राणियों को हो रहा है निरंतर, क्योंकि 8 कर्म का बंध निरंतर होता है, 8 कर्म का नहीं, 7 कर्म का बंध निरंतर होता है, प्रतिक्षण 7-8 कर्म का बंध होता है, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध तो जीवन में एक बार होता है, 6-7 कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी प्राणियों को एवरी टाइम कर्म का बंध हो रहा है। उन कर्मों के बंध से बचने के लिए हमें क्या करना है, मोहनीय कर्म जो राजा है उसको मेन जीतना है। मोहनीय कर्म को जीत लिया इसका मतलब है सभी कर्मों को जीत लिया, तो आज से हम संकल्प करें कि हमारा जो मोह है उसको हम कम कैसे करें, उसके लिए हम प्रयोग करते रहे, चिंतन करते रहे, मनन करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो मोह कर्म है क्षीण हो जाएगा और हम केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वितराग दशा को प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से हमारा मोक्ष होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम।